हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बीए फर्स्ट ईयर हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स समुदाय। ऐसे तो स्टूडेंट्स का तुमने समुदाय का अर्थ एवं परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया तो उसके अंतर्गत भली बात ये जान लिया था कि समुदाय जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य जीवन जीने वाले लोगों का ऐसा समूह है जिसका कि स्वतः विकास होता है। किंतु फिर भी यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा समुदाय की विशेषताओं या लक्षणों को जानने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप पहली बार समझ जाए कि आपके समुदाय होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषता जो आती है स्टूडेंट्स वो आती है स्वतः विकास। मैंने आपको बताया था समुदाय का जो है जबरदस्ती उसको बसाया नहीं जाता है बल्कि समुदाय का विकास जो है वो धीरे धीरे अपने आसपास बसने की वजह से सालों तक रहने की वजह से उनमें एक ऐसी सामुदायिक भावना या मन की भावना का विकास हो जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है समुदाय का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ना कि समुदाय को किसी नियोजित तरीके से बसाने की आवश्यकता होती है क्योंकि समुदाय जो है सामुदायिक भावना की वजह से धीरे धीरे स्वतः विकसित हो जाता है। स्थायीकरण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स जहाँ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और स्वतः विकास को देखते हैं हम वहाँ पर स्थायीपन भी समुदाय की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति की किसी एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होकर बल्कि लगभग उसकी सभी आवश्यकताएं जो है उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो समुदाय के अंतर्गत होती है। यदि व्यक्ति की कोई ऐच्छिक आवश्यकताएं होती है तो उन ऐच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किसी समिति या संस्था का सदस्य बन जाता है और जब उसकी वो ऐच्छिक आवश्यकता जो है पूरी हो जाती है तो वो समिति या संस्था की सदस्यता को समाप्त कर लेता है। लेकिन
स्टूडेंट्स समुदाय के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति की जो सारी आवश्यकताएं हैं वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है समुदाय के अंतर्गत होती है। इसीलिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक सदस्य जो है उस समुदाय का सदस्य बना रहता है और इसी वजह से जो है समुदाय में स्थायीपन पाया जाता है। यानी समुदाय कुछ समय के लिए विकसित नहीं होता है बल्कि उसमें स्थायीपन पाया जाता है, वो हमेशा के लिए ही विकसित हो जाता है। विशिष्ट नाम, मैंने आपको बताया समुदाय के अंतर्गत किसी गांव, कस्बे, शहर, नगर, महानगर इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है और इसके साथ साथ इनका जो इतिहास है वो इतिहास भी इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे महानगर दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली का दिल्ली नाम कैसे पड़ा, वो एक उसका क्या नाम हो गया, विशिष्ट नाम हो गया और वो क्या है, एक समुदाय के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि उसका एक इतिहास है, इतिहास जुड़ा हुआ है उससे, इसी वजह से उसका एक विशिष्ट नाम है और इस विशिष्ट नाम की वजह से ही समुदाय जो है जाना जाता है। मूर्तता, पिछली जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त का अर्थ मैं आपको भली भांति समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। मूर्त वह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अमूर्त वह है तो जिसे देखा जा सकता है या ही छुआ जा सकता है। तो समुदाय की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मूर्तता। क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको जो बता दिया अर्थ बता दिया उस समय भी आप लोगों को बताया था कि समुदाय के अंतर्गत क्या होना आवश्यक है, व्यक्तियों की बहुलता, यानी व्यक्तियों का एक समूह जो है वो समुदाय कहलाता है और वो समुदाय जो है व्यक्ति, चूंकि व्यक्तियों को देखा जा सकता है, व्यक्तियों के समूह को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इसीलिए समुदाय को भी किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है स्टूडेंट्स, मूर्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि व्यक्तियों का समूह जो है या व्यक्तियों की बहुलता जो है उन सभी क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मूर्तता भी समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आती है। व्यापक उद्देश्य, मैंने आपको जैसे अभी पहले भी बताया था कि समुदाय के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के किसी एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है बल्कि व्यक्ति की जो समस्त आवश्यकताएं हैं, जो समस्त उद्देश्य हैं, उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो समुदाय के अंतर्गत हो जाती है। इसीलिए समुदाय का जो महत्वपूर्ण लक्षण आता है वो आता है व्यापक उद्देश्य। एक समुदाय के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों का जो जीवन है, जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन जीने की जो विधि है, जीवन जीने का जो तरीका है वो लगभग समान होता है। यानी एक समुदाय में निवास करने वाले, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले जो लोग हैं
उनका जीवन जीने का तरीका जो है लगभग समान होता है। इसीलिए समुदाय की जो महत्वपूर्ण विशेषता है लक्षण है वो सामान्य जीवन। सामान्य जीवन इसलिए क्या हो रहा है क्योंकि एक समुदाय में रहने वाला जो व्यक्ति है वो उस समुदाय में लगभग सभी व्यक्तियों जैसा ही जीवन जीता है। उसमें कोई डिफरेंसेस अंतर के मामूली से ऊपरी तौर पर देखने पर हम यदि देखते हैं ऊपरी तौर पर तो हमें उन लोगों का या एक समुदाय में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो लगभग समान दिखाई देता है या फिर सामान्य जीवन जीते हैं क्योंकि एक समुदाय में होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सव त्यौहार या फिर मैरिजेस संस्कार या राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्य जो होते हैं वे सभी कार्य जो है उस समुदाय के लगभग समान ही होते हैं। इसीलिए एक समुदाय में रहने वाला व्यक्ति जो है या व्यक्तियों का जीवन जो है लगभग एक सा और समान होता है। जिस तरह से एक समुदाय में रहने वाले लोगों का जीवन मैंने आपको बताया सामान्य जीवन होता है यानी वहाँ पर एक ही प्रकार के त्यौहार सांस्कृतिक उत्सव इत्यादि जो होते हैं समान होते हैं तो सभी व्यक्ति जो हैं वो उसके अंतर्गत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो उनका सामान्य जीवन तो उसी प्रकार से किसी भी समुदाय से संबंधित जो नियम होते हैं वो नियम भी क्या होते हैं लगभग समान ही होते हैं क्योंकि उन नियमों के माध्यम से समुदाय का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों के माध्यम से ही क्या रहता है स्टूडेंट्स नियंत्रित रहता है या फिर यूं कह लीजिए उन नियमों के अनुसार ही वो कार्य करने का प्रयास करता है अपने व्यवहार को उन नियमों के अनुसार ही ढालने का प्रयास करता है। तो जिस किसी भी समुदाय में जिस प्रकार की नियम व्यवस्था बनी रहती है व्यक्ति जो है उन्हीं नियमों के अनुसार निर्देशित होता है और उन्हीं नियमों के अनुसार जो है वो व्यक्ति कार्य करने का प्रयास करता है। किंतु एक मुख्य रूप से एक बात जो है वो ये है कि जब हम छोटे समुदाय जैसे ग्रामीण समुदाय छोटा होता है या फिर जनजातीय समुदाय जो है वो छोटे होते हैं तो वहाँ पर जो है इस प्रकार की नियम व्यवस्था जो है चल सकती है जैसे प्रथाओं परंपराओं इत्यादि रीति रिवाजों के आधार पर जो है व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो छोटे समुदायों के अंतर्गत इस प्रकार की जो अनौपचारिक नियम व्यवस्था है उसके अनुसार व्यक्ति निर्देशित हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स जहाँ हम देखते हैं नगर है महानगर है बड़ी सिटीज है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर ये अनौपचारिक प्रकार की जो नियम व्यवस्था है उसके अनुसार व्यक्ति बहुत ही कम कार्य करने इसकी बजाय जो औपचारिक नियंत्रण की व्यवस्थाएँ हैं जैसे कि पुलिस जेल न्यायालय दंड व्यवस्था इत्यादि के अनुसार जो है व्यक्ति निर्देशित या नियंत्रित होता है क्योंकि छोटे समुदायों के अंतर्गत अक्सर जो नियम व्यवस्थाएं होती है वो अलिखित होती है। तो छोटा क्षेत्र होने की वजह से या छोटा समुदाय होने की वजह से वहाँ व्यक्ति इन नियमों का पालन कर लेता है लेकिन जहाँ बड़े समुदाय आते हैं वहाँ पर इन अलिखित नियमों का कोई भी महत्व नहीं होता है। लक्षण आता है आत्मनिर्भरता। क्या आता है स्टूडेंट्स आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है। क्यों माना गया है क्योंकि मैंने आपको जो डेफिनेशंस बताई थी उस समय भी बताया गया आधार के बल बताया उस समय भी चीज़ों
समुदाय के अंतर्गत रहते हुए ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए किसी भी समुदाय को आत्मनिर्भर समुदाय कहा जाता है, क्योंकि चाहे किसी भी प्रकार की आवश्यकता ले लीजिए, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक समुदाय में रहने वाले व्यक्ति भी उसी समुदाय के अंतर्गत होने की वजह से किसी भी समुदाय को क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, आत्मनिर्भर कहा गया है। अनिवार्य सदस्य स्टूडेंट्स, अनिवार्य सदस्य समुदाय की जो अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता आती है वो आती है अनिवार्य सदस्यता। मैंने आपको बताया था समुदाय कैसे होती है, आत्मनिर्भर व्यक्ति की जो सभी आवश्यकताएं होती है कहाँ पूरी हो जाती है, उसी समुदाय के अंतर्गत रहते हुए उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी समुदाय का जो सदस्य है वो अवश्य होता है, बिना समुदाय के उसकी सदस्यता नहीं होती है, या फिर बिना सदस्यता के वो किसी समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकता है, क्योंकि समुदाय कोई समिति या संस्था नहीं है जिसके अंतर्गत आप किसी एक आवश्यकता या एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके सदस्य बनते हैं। और जब वो आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और आप अपनी उस समिति से जो है सदस्यता समाप्त कर लेते हैं, समुदाय के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति किसी समुदाय का